तो मैं आपसे केवल एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। नेताजी का वक्त भूल गए? श्री मुलायम सिंह यादव का, जो मायावती बहन मायावती जी के साथ जो दुर्घटना हुई थी वो भूल गए? स्त्री का सम्मान था वो? अगर इसका जवाब दे देंगे तो मैं कहूंगा कि हाँ, आपकी समाजवादी पार्टी को मैं वोट दूंगा। राइट राइट, कांग्रेस ऑफ कोर्स, आप इसका जवाब दीजिएगा, सोचिए तब तक। अभी ऋषभ तिवारी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हिंदू मुसलमान को लेकर कि ये हिंदू मुसलमान नहीं करते। आपको याद हो तो 2014 से पहले जब मोदी जी आए थे और केंद्र की राजनीति में वो आए थे तो बात चली थी 2 करोड़ रोजगार लेके आने थी, बात चली थी कि किसानों की आय 2 गुनी कर देने की, बात चली थी कि देश को मैन्युफैक्चरिंग में ले जाने की और मेक इन इंडिया करने की, बात चली थी कि डिफेंस को हम और मजबूत करने की, आर्मी को और मजबूत करने की। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी, आप बच्चे बच्चे से पूछ लेंगे, जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जितने नौजवान यहाँ खड़े हुए हैं, जितने बुजुर्ग साथी हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, आप उनसे अगर एक सवाल पूछ लीजिए कि हिंदू मुसलमान की राजनीति या हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो वो कौन सी पार्टी है, और लोग आपको जवाब दे देंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी करती है। इन्होंने धोखे की बात करी, इन्होंने, क्योंकि इन्होंने धोखे पे मेरे को बोला कि कांग्रेस पार्टी की फितरत में धोखा, इन्होंने ये बोला, जिशान ने बोला, जिशान ने बोला, जिशान ने बोला, इन्होंने इसी बात को रिपीट किया। हाँ, तो जिशान का स्टेटमेंट रखा, वो तो मैंने बोला, मैं बता देता हूँ धोखा कौन करता है। पीडीपी के साथ इन्होंने धोखा किया, आज खत्म हो चुकी पीडीपी। जेजेपी की इनकी साथी थी, आज वो खत्म हो गई है। एलजेपी चिराग पासवान और इनके चाचा में पशुपति पासवान में लड़वाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी। देखिए, सेंटीमेंट से खेलना और सेंटीमेंट को राजनीति रूप से यूज करना कांग्रेस बेहतर जानती है। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिसको दलित का चेहरा बना के वोट मांगते फिर रहते, दरवाजे के झरोखे से झांक रहे थे। और सबसे बड़ी बात, और दूसरी बात, इन्होंने 4 विषय उठाए हैं, 4 किसान जी 4 विषय उठाए हैं। जवाब को क्लैरिफाई कर देना, आप क्लैरिफाई कर, आप क्लैरिफाई कर देना, मैं क्लैरिफाई कर देना, मैं झूठ बोल के मैं क्लैरिफाई करूंगा, आप क्लैरिफाई कर देना, क्लैरिफाई कर दीजिए ना। आपने देखी वो तस्वीर जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी अंदर बैठे हुए थे? बोला आज पेपर में, नहीं तो ये गलत बोल रहे हैं ना। इनकी पूरी मशीनरी झूठ पे चल रही है, इनके सारे नेता झूठ पे चल रहे हैं, इनके सारे प्रवक्ता झूठ पे चल रहे हैं। ये इन्होंने, ईशान त्यागी जी ने 4 सवाल उठाए, उस 4 सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो 2 करोड़ रोजगार की बात करके आई थी, इनडायरेक्टली 2 करोड़ 80 लाख स्टार्टअप और अन्य योजना के तहत रोजगार दिए किसान की। देखिए, ये कहते हैं झूठों की फौज कैसे घेर रही है, उधर से ये, इधर से ये, मतलब सत्य को दबाएंगे लेकिन सत्य जीतेगा, दबेगा नहीं। फर्क है ऋषभ भाई, ईशान, 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 दिस इज नॉट द वे, नहीं ना ईशान, ईशान, ना 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 ईशान, मैं डिसिप्लिन दे सकता नहीं। रोजगार की परिभाषा क्या है? केवल सरकार के तरफ माई बाप करके हाथ उठा के देखना। अगर कोई वहाँ समोसा बेच के महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है तो क्या वो रोजगार नहीं है? अगर कोई डोमिनोज के अंदर काम कर रहा है तो रोजगार नहीं है? क्या बात करते हो सर आप? दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, किसान की आमदनी की बात देखिए, आइए आइए, ये आराध आराध, आप अपना अपना पेशेंस संभाल के रखिए, पेशेंस के साथ रहिए जी। किसान एक लाइन बोलना चाहूंगा, किसान की और दुगनी आयु की बात कर रहे थे, खरीफ फसल रबी फसल की 4 गुना 634 से 2200 रुपए के अप्रोक्सीमेटली हमने लेकर आया। और एक बात, एक एक पर्टिकुलर संगठन ही पूरे किसान को रिप्रेजेंट नहीं करता। राइट राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट्स जी।